दोस्तों, आपने राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की फिल्म आशिकी तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म से ये दोनों एक्टर्स ही रातों रात बॉलीवुड में अपनी एक अलग छाप छोड़ गए थे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आशिकी फिल्म से फेमस हुई अनु अग्रवाल की जिंदगी के बारे में कुछ अननोन बातें ही बताने वाले हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये एक्ट्रेस आज है कहाँ। 51 वर्षीय अभिनेत्री अनु अग्रवाल की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। आशिकी फिल्म से इन्होंने रातों रात बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ली थी, लेकिन शोहरत की बुलंदी से गुमनामी तक का उनका सफर बहुत ही दर्दनाक रहा है। कहते हैं 1990 में आई फिल्म आशिकी ने लोगों को प्यार करने का एक नया स्टाइल सिखाया था। आज भी उस फिल्म के गाने, चाहे वो मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में हो या फिर धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना हो, इन्हें सुनते ही हम एक नॉस्टैल्जिया मोड में चले जाते हैं। इन गानों से घर घर में पहचानी जाने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल की याद जरूर आ जाती है। चलिए आपको बताते हैं, 90s के दशक में अपनी पहली ही फिल्म से फेमस होने वाली अनु अग्रवाल आज आखिर क्या कर रही है। आज अनु अग्रवाल पहले से काफी बदल चुकी हैं और वो लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में पैदा हुई अनु अग्रवाल उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस की पढ़ाई कर रही थी, जब महेश भट्ट ने उन्हें अपनी आने वाली म्यूजिकल फिल्म आशिकी में पहला ब्रेक दिया। ये फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और महज 21 वर्ष की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली अनु ने पहली ही फिल्म से अपनी मासूमियत, सादगी और बेहतरीन अभिनय से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। हालांकि बाद में उनकी गजब तमाशा, खलनायिका, किंग अंकल, कन्यादान और रिटर्न टू ज्वेल थीफ जैसी फिल्में कब पर्दे पर आईं और कब चली गईं ये पता ही नहीं चला। इसी बीच उन्होंने एक तमिल फिल्म थिरुदा थिरुदा में भी काम किया। यहाँ तक कि अनु ने एक शॉर्ट फिल्म द क्लाउड डोर में भी काम किया, लेकिन कुछ भी उनके फेवर में नहीं चला। शायद ये किस्मत का इशारा ही था कि वो फिल्मों के लिए नहीं बनी, और शायद इसीलिए 1996 आते आते अनु बड़े पर्दे से गायब हो गई थी और उन्होंने अपना रुख योगा और आध्यात्म की ओर कर लिया था। लेकिन अनु की लाइफ में बड़ा तूफान तब आया जब 1999 में वो एक भयंकर सड़क दुर्घटना की शिकार बनी। इस हादसे ने न सिर्फ उनकी याददाश्त को प्रभावित किया बल्कि उन्हें चलने फिरने में भी पैरालाइज कर दिया था। 29 दिन तक कोमा में रहने के बाद जब अनु को होश आया तो वो खुद को पूरी तरह से भूल चुकी थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। लगभग 3 साल तक उनका लंबा इलाज चला और उसके बाद उन्हें अपनी धुंधली धुंधली यादें याद आने लगी। जब वो धीरे धीरे सामान्य हुई तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करके सन्यास की राह चुन ली। अनु ने अपनी बायोग्राफी अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम डेड को भी लॉन्च किया, जिसकी वजह से वो अचानक से दोबारा चर्चाओं में आ गई थी। अनु का कहना है कि ये बायोग्राफी उस लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी कई टुकड़ों में बट गई थी और बाद में उसने खुद ही उन टुकड़ों को एक कहानी की तरह जोड़ा था। आज अनु पूरी तरह से ठीक है, लेकिन बॉलीवुड से इस खूबसूरत अभिनेत्री ने अपना नाता अब पूरी तरह से तोड़ लिया है। अब वो बिहार के मुंगेर जिले में अकेले रहती हैं और लोगों को योगा सिखाती हैं। एक नज़र में देखने पर तो उन्हें पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। जहां अपने जमाने में एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर अनु ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की थी, आज वो धुएं की तरह गुमनामी में खो चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको अनु अग्रवाल की इस दर्दनाक लाइफ स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।